हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, जो फैसला पार्टी आला कमान का है, कैसा देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी आला कमान ने जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक बड़ा विश्वास एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर किया है, हम उस विश्वास के ऊपर पूरा उतरेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करते हुए पार्टी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। चुनौतियां रहने वाली है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकायों के चुनाव, इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं के जो काम किए हैं सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार के काम हैं चाहे प्रदेश सरकार के काम हैं, इतने कार्य हैं जिसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उन कामों को घर घर तक जा कर के कार्यकर्ता हमारा उसका प्रचार करेगा, लोगों को बताने का काम करेगा कि ये कार्य किए हैं और उसके दम के ऊपर हम तीसरी बार हरियाणा देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर भी और नगर निगम के जो चुनाव हैं उनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल परचम लहराएगी और तीसरी बार केंद्र के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें, विधानसभा में अकेले बनाएंगे सरकार, किस तरीके से भी विधानसभा के अंदर भी तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि पहली बार है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जो पूर्व की सरकार, सवाल है धनखड़ साहब का कार्यकाल कैसा रहा? धनखड़ जी का कार्यकाल जबरदस्त रहा है, उनके नेतृत्व के अंदर संगठन ने बड़ी गति से कार्य को आगे बढ़ाया है और उनसे प्रेरणा लेकर के हम इस संगठन को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नायब सैनी साहब का यही कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 की 10 सीटें जीतेगी और हरियाणा में भी बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनेगी। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।